अब तो मुख्यमंत्री वही बनते, कोई अखिलेश हो, मुलायम रहे, या लेकिन वैसे कांग्रेस का कोई आदमी हो तो ये क्यों मुलायम सिंह अपने अखिलेश यादव अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ वो दावे मेरा काम बोलता है। हाँ देश की अपना बड़ा बड़ा दावे कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी से अच्छा अखिलेश तो विकास के नाम पे आप वोट देंगे। हाँ इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद के 165 विधानसभा के उन्नाव जनपद के गदनखेड़ा ग्रामीण गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हो कि कितनी पब्लिक है। यहां आज हम बात करेंगे आगामी आने वाले सन 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर, यहां की जनता किसको अगला मुख्यमंत्री अपना चुनेगी। आइए हमारे साथ में यहां के कुछ लोग हैं। क्या नाम है दादा? मान किस गाँव में? अच्छा अच्छा, कौन सी विधानसभा आपकी लगती है? सदर उन्नाव। कौन है विधायक आपके यहाँ? पंकज गुप्ता। अच्छा अच्छा, ये बताइए आने वाले आगामी विधानसभा जो चुनाव है 22 में, आप किसको मुख्यमंत्री अगला चुनना चाहते हो? हम तो ये बुलाना चाहते हो कोई भी, लेकिन कांग्रेस। अच्छा, ये 5 साल योगी सरकार के होने वाले हैं। क्या लगता है योगी सरकार ने अभी तक क्या विकास कार्य किया है? विकास कार्य इसने सब गद्दारी के किए। इसने जो लालच पब्लिक को दिया है वो भी गद्दारी है, और जो कर रहा है वो भी गद्दारी है। अच्छा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे अपने कर रहे हैं कि किसी भी गांव में गौवंश खुले में नहीं घूमेंगे, अगर घूमेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान लेखपालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सब कह रहे हैं और करेंगे कुछ नहीं, और अगर कर दें तो अच्छी बात है, और अगर ये नहीं करते हैं तो इनको जेल भेज दें। सही। क्या लगता है आप लोगों की फसल गौवंश पूरी? हम लोग दाल खाने को तरस रहे, पूरी जनता, हम ही नहीं, और गाय और साड़ों की वजह से कुछ भी नहीं हो पा ना। गेहूं हो जो खेत में लेटा रहता उसके भी खा जाते, जो नहीं है उसके। अच्छा, 5 साल के दौरान आपके गांव में कोई विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, विकास यही लेटरीन बनी है, सामुदायिक शौचालय, और गरीब आदमी के लिए कोई साधन नहीं है, और जो इसका पावर पैसा है तो उसी के लिए चाहे पेंशन बढ़ा दे चाहे करा दे, बाकी किसी को, जिसके पास कुछ नहीं उसको कुछ नहीं। अब तक अभी तक कुछ तुमको सरकारी योजना का लाभ मिला है? सरकारी योजना का लाभ यही किसान वाला और यही कोटा का गल्ला बस। तो फिर आप क्यों भाजपा को वोट नहीं देना चाहते? हम नहीं देना चाहते, हम वो गल्ला हमको न दे, हमको पैसा न दे, केवल जितना बैंक का पैसा बदला उसमें हजारों आदमी मर गए, नहीं मरे? हाँ बिल्कुल हैं। उसके बाद में हमने बैंकों में देखा कि आपस में बिचारी औरतें जूता चला रहे। अच्छा, मोदी जी तो गांव-गांव महिलाओं के सम्मान में सिलेंडर दिया फ्री। वो जितना सिलेंडर पिलेंडर किया ये सब वो गद्दारी है, वो लालच देकर मारता है, कोई सामने चाकू मारता है और कोई पीछे से मारता है। अच्छा, घर घर गांव गांव शौचालय भी दिया है, आपको शौचालय मिला है? हाँ शौचालय मिला है, लेकिन शौचालयों में बालू से बने हैं, उसमें जान घाट। अगर आदमी यानी मानक विहीन शौचालय प्रधान के द्वारा बनवाए गए? प्रधान द्वारा, वो राम मनोहर लोहिया में। और जो प्रधान से आती है योजना वो किसी को पैसा मिला और किसी को नहीं मिला। तो कौन पैसा इसका खा गया? ये पैसा यही खाते हैं सब लगा के कर्मचारी जितने नीचे से ऊपर तक। तो अगली आप सरकार किसको बनाना चाहते हैं? कौन मुख्यमंत्री बनेगा यूपी का अगला? अब तो मुख्यमंत्री वही बनते, कोई अखिलेश हो, मुलायम रहे, या लेकिन वैसे कांग्रेस का कोई आदमी हो तो ये। क्यों मुलायम सिंह अपने अखिलेश यादव अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? हाँ वो दावे मेरा काम बोलता है। हाँ बीएसपी अपना बड़ा बड़ा दावे कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी से अच्छा अखिलेश हो तो विकास के नाम पे आप वोट देंगे? हाँ। तो आइए हमारे साथ में यहाँ की जनता और है, और हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नितिन गुप्ता जी। अच्छा, ये बताइए आपके ग्राम पंचायत में 5 साल के दौरान में आपके यहाँ कोई विकास कार्य हुआ है? हाँ कार्य हुए हैं, हमारे यहाँ खरंजा लगा है, शौचालय बना है, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ विद्युतीकरण नहीं था जी। हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विद्युतीकरण कराया, नल हैंडपम्प से वो लगवाए, और RCC रोड है खरंजा उन्होंने।
अच्छा ये बताइए, 5 साल योगी सरकार के होने वाले हैं, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव में आप अगला मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। अच्छा अच्छा, क्या खासियत है योगी आदित्यनाथ? राष्ट्र सुरक्षा में और भ्रष्टाचार खत्म किया, गुंडा राज खत्म कर दिया यहाँ का यूपी का, जो बदमाश खुलेआम सलाह लेकर घूमते थे आज दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का अपना बड़े बड़े दावे करते हैं कि खुले में गौवंश नहीं घूमेंगे, किसानों की फसल नहीं नष्ट होंगे, लेकिन वहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके गांव में ही कम से कम 50 गौवंश बैठे थे एक जगह पे, एक स्थान पे एकत्रित थे, यहाँ के किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? गौशाला एक मुद्दा है यहाँ पर यूपी में, मगर वहाँ से सब व्यवस्था ठीक चलती है, यहाँ पर प्रधान गड़बड़ कर देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अच्छा, जिले के कोई आला अधिकारी गौशाले में कभी आते इस गांव में आपके, कभी आते कि गौवंश किसके हैं, इस जानकारी कभी लेने आते? जानकारी वहाँ गौशाला आते, प्रधान से मिलके चले आते, यहाँ गांव नहीं जाते। अच्छा, आप योगी सरकार को बेहतर कहते हैं, वही यहाँ की जनता या आसपास के लोगों का कहना कि बेरोजगारी सरकार में ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो है, मगर इसके साथ साथ सुरक्षाएँ बहुत, जैसे पहले हमारे यहाँ 12 घंटे लाइट आती थी, आज 18 घंटे विद्युतीकरण है हमारे यहाँ, राशन पहले सबको नहीं मिल पाता था, अब हर एक व्यक्ति को राशन मिल जाता है, ये सब सुविधाएं भी। अच्छा, और भी हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, और लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? समस्या क्या नाम है आपका? मंगलदीप। अच्छा, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? यही बनवा अखिलेश, अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों आप अच्छा नेता मानते हैं? वो नेता है, हाथ चीज जमकर देते रहा, हाथ चीज जमकर खाते रहा। इस सरकार में कुछ तुमको योजना का लाभ मिला? ना, कुछ नहीं मिला ना। अच्छा, आपके गांव में खुले में गौवंश गाय खुले आप घूम रहे हैं, आप लोगों की फसल नष्ट कर देती है, क्या इस संदेश देना चाहते हैं? ये गाय के लिए है, गरीब दुखे मर रहे हैं, गाय बंद। और भी हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव है 22 में, इसको अगला मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं, क्या बेहतर योगी आदित्यनाथ के अंदर क्या बेहतर लगता है कि आपके ग्राम पंचायत में या 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा क्या विकास कार्य किया गया? विकास ज़्यादा नहीं जो भागो ठीक भर, लेकिन ठीक यो है कि सिर्फ जैगोन आदमी है, गाय से परेशान है, एक मुद्दा ये है। गाय जानवर छुट्टा नहीं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का खुला एक निर्देश है जिले के आला अधिकारियों के लिए कि अगर कोई भी गौवंश अगर खुले में घूमेगी तो जिले के आला अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, लेखपालों के ऊपर। क्या लगता है, क्या जिले के अधिकारी कभी आते हैं गांव में? यहाँ नीचे वाले सुनते नहीं। हाँ, नीचे वाले ना सुने। आज जिले जाओ तो क्या करे बनवाओ। हाँ, बात सही है। इतने टाइम गौवन वो समस्या और सुअर करते हैं, सुअर जो है जब फसल पड़ जाते हैं नाश और सब आ ही पलाती है, जब बताओ हमारा जब फसल में। तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ के जनता का कहना है कि ये तो समय ही बताएगा कि अगला मुख्यमंत्री हम लोग किसको चुनेंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर 1।